या सब मामला एक दफा फिर अदालत में जाता हुआ हमें नजर आया अब हम खान साहब की हमत अमली को किस तरह से आप जज करेंगे क्योंकि कहा जा रहा था कि आखिरी पत्ता भी खान साहब खेल चुके हैं अब सियासत बंद गली में नजर आ रही है खान साहब की या अभी भी उनके पास इनिशिएटिव है नहीं देखिए सियासत अवामी सपोर्ट उनकी है या नहीं है या तो है ना कि अवमी सपोर्ट चली जाए हुँ. या आप कोई वो जो दिलचस्प ऑडियो लीक्स करके उनकी सियासी स्टैंडिंग नीचे आ जाए फिर तो आप बात कहें कि ये है उन ऑडियो लीक्स ने दो तीन दिन पूरे मुल्क में सामान तफरी आप कहेंगे क्या कहेंगे वो मुहैया किए रखा और ये पहले भी कोई आती नहीं है तो उनसे तो कुछ हुआ नहीं है देखिए मकसद क्या है कि हम पीटीआई को कट डाउन टू साइज करें कि वो खतरा ना रहे ये काम नहीं हो रहा या तो है ना उनकी तो है बंद गली में तब कि अवी सपोर्ट उनकी हट जाए और फिर पी डीएम मौलाना रहमान आसिफ जरदारी साहब कॉन्फिडेंट हों कि ये हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन वो तो ऐसा हो नहीं रहा ग्यारह जनवरी भी आ जाएगी जी। पंजाब असम्बली कायम रहेगी फौरी इंत का मेरा ख्याल है वो जो ऑप्शन है वो रिसीड करता जा रहा है फौरी इंतखबा नहीं होंगे ठीक है खान साहब ने ट्राई ट्राई किया है लॉन्ग मार्च फलाना मार्च जलसा ये किया है पर उनके पास हाथ में वो पिस्तौल नहीं है जिससे वो सर पे रख के कहें कि आप इंतख्या करें खान साहब को इंतजार करना पड़ेगा अब तो ऐसे लगता है ना ये आखिरी था कि पंजाब असेंबली डिसॉल्व होती तो वो है लेकिन वो थोड़ा लेतो लाल से काम लिया गया बड़ी समझदारी से काम लिया गया आ, ना भी वाज तौर पे ना आ, कहेगी और हाँ भी जो है वो भी ऐसे ऐसे कहेगी और कोर्ट जो है वो रेस्क्यू आ गई है पंजाब हुकूमत के आ, जो है काफ लीग के एस्टेब्लिशमेंट uh, के पीडीएम के सारा के अभी यहाँ पर रहेगा बट दैट इज नॉट द पॉइंट जो मुल्क जिस बहरान में है उसको आप कैसे एड्रेस करेंगे हम जो हमारे पास ये है देखिए हकूमत में इस वक्त पूरी लंबी हकूमत में पचहत्तर अस्सी आदमियों में एक ही चेहरा नजर आ रहा है राणा सन्नाउल्ला का वही कह रहे हैं वही बयान दे रहे हैं उन्हीं का एक जो है बाकी गवर्नमेंट है कहाँ पे वो कर क्या रहे हैं एक वो साद रफीक आ जाते हैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जाते हैं जिसमें वो चुटकी चुटखली जो है वो मार जाते हैं पी टी आई को गवर्नमेंट कहाँ पे है वो शहबाज शरीफ कहाँ पे हैं पहले तो कुछ ना कुछ करतब कर लेते थे उंगली उठ जाती थी टोपी पहन लेते थे हैट पहन लेते थे और कुछ तो आप करने वो सिर्फ उस दिन हमने देखा जब उनके वो बेटे आए तो उस दिन वो कपड़े और कोट और ये उसके अलावा मतलब ये गवर्नमेंट कर क्या रही ठीक है तो so, इस क्राइसिस को आप कैसे रिजॉल्व करेंगे आप कैसे करेंगे जो माल, माशी हालत ऐसी है इधारों के पास जो आपके गवर्नमेंट के महकमे उनके पास पैसे नहीं है कभी ये नहीं हुआ कि आपकी एम्बसी को खर्चा ना बिल्कुल बहरान पर काबू कैसे पाया जाएगा इस सवाल का जवाब अभी तक हमें किसी के पास नजर नहीं आ